शांत निर्मल जल और मन को सुकून देते ये नजारे, चारों तरफ पानी ही पानी, ठंडी हवाओं की सरसराहट, जल में अटखेलियां करती ये तरंगे, मन को जल संगीत का अनुभव कराती ये लहरें, अपनी खूबसूरती के मोहपाश में बांध देने वाली कुदरती छटा, शहर की चकाचौंध और आपाधापी से दूर, बिना टूर के ही अपनी तरफ खींचने वाला ये माहौल, जल को छूकर स्नेह से तन को सहलाने वाली ये शीतल हवाएं, मीलों सफर की थकान और सारी मुश्किलें इस जगह पर आकर हो जाती है छूमंतर, मन को आनंदित करने वाला ये नजारा, प्रकृति की गोद में जल के बीचों बीच ये जन्नत, जहां वक्त कुछ पल के लिए ठहर जाता है, जल पर पड़ती सूरज की किरणों का मनोरम दृश्य, धरती पर स्वर्ग से अनुभूति कराने वाला नजारा, यहां जो भी आया वो कुछ पल के लिए यहीं का होकर रह गया, लहरों का ये रोमांच, जलराशि का ये गर्जन और सागर सा ये नर्तन, कुदरत के बेलौस अंदाज को बयां कर रहे हैं दूर दूर तक फैला ये जल संसार, और उनकी ये रवानी प्रकृति की जीवंतता का ध्वज लिए खड़ी है, कुदरत यहां बाहें फैलाए खड़ी है, वो दे रही है आमंत्रण, वो चला रही है नैनों के बाण, वो खींच रही है उमंगों की प्रत्यंचा, वो कर रही है सुंदरता का संधान, विशाल जलराशि के बीच ही आबाद है जन्नत के कई जजीरे, शान से खड़े हैं कई खूबसूरत टापू, ये टापू संदेश दे रहे हैं कि संकट के सागर तने हो, डूब की जद में वजूद हो, तब भी हौसला ना खोएं, तब भी सिर ना झुकाएं, बेखौफ तने रहें तूफानी लहरों के आगे भी, क्योंकि जब आप डर को आंखें दिखाते हैं तो वो हार जाता है, ठीक इस जलाशय की तरह जिसकी लहरों ने जबांश टापुओं के आगे घुटने टेक दिए हैं, जीत और हार के इस खेल ने यह कुदरत को सबसे खूबसूरत शक्ल में ढाल दिया है, यहां जादुई जल भी है तो अलौकिक थल भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह, स्वागत है आप सभी का धरोहर में। हमारी आज की खास पेशकश है एमपी का स्विट्जरलैंड। इस जगह पर आने वाला हर शख्स यहां बसने की तमन्ना लिए यहां से विदा होता है। इस जगह में जादू है, उमंग है, साथ ही ये स्थान सैलानियों के दिल में पैदा करती है जिंदगी खुशी से जीने की तमन्ना। तो देर किस बात की है, आइए आपको लिए चलते हैं एमपी के स्विट्जरलैंड में। मध्य प्रदेश प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। जबलपुर के बेड़ा घाट की सुंदरता हो या फिर मांडू के प्राचीन महल, भीम बैठका के जंगल हो या फिर ओरछा के मंदिर, ये सभी सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नदी नर्मदा ने प्रदेश को कुदरती खूबसूरती दी है। नर्मदा नदी न केवल प्रचुर मात्रा में जल की संवाहक है, वहीं प्राकृतिक सुंदरता की जननी भी है। इसी नदी में कुदरत ने बसाई है एक मनमोहक दुनिया। यह है मध्य प्रदेश का वो स्थान जो इन दिनों लोगों को अपनी खूबसूरती का मुरीद बना रहा है। मां नर्मदा के अंचल में बना ये टापू, जिसे लोग हनुवंतिया टापू के नाम से जानते हैं, इस टापू में आने वाले सैलानी यहां से दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो भी इस टापू में आया वो यहीं का होकर रह गया। हमें तो बहुत अच्छा एंजॉयमेंट मिला, यहाँ जो प्रकृति है और जो गेम वगैरह है बच्चों के लिए भी, और यहाँ पे जो खुला सारा माहौल है वो बहुत अच्छा है, और हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन्होंने भी बहुत फुल
एंजॉय किया, जितना हम नहीं कर सके उतना उन्होंने किया। ये जगह मध्य प्रदेश के खूबसूरत जगहों में शुमार है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक नर्मदा का जल और उसका सौंदर्य आपको अभिभूत करेगा। इस स्थान ने काफी कम समय में ही देशी विदेशी सैलानियों के मन में एक जगह बनाई है। ये टापू इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर के एरिया में बना है, जिसे मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। सन 1984 में इस बांध की आधारशिला रखी गई थी और साल 2004 में ये बांध बनकर तैयार हुआ, लेकिन तब से लेकर साल 2004 तक ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में ये जगह पर्यटन के तौर पर विकसित होगी और पर्यटक इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत अच्छी जगह, जस्ट लाइक केरल की जो चीज वो बनी है शिप वगैरह, वो काफी अच्छी है, और अब वो जैसे केरल में जो है सेम बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी रुक के हमें काफी मजा आया, अच्छा डेवलप किया गया है, ऐसा लगता है कि कोई नया पर्यटन स्थल बना दिया है, और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ हम लोग बहुत बढ़िया, पूरी टीम आई है हम लोग 21 लोगों की, हम लोग शानदार एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ नाइट हॉल्ट के लिए भी हमने टेंट लिए हैं और हम यहाँ नाइट रुके हुए हैं और काफी सभी लोगों को आनंद आ रहा है। ये बांध 98,90,701 एकड़ तक फैला है और इसे एशिया के सबसे बड़े जलाशय होने का दर्जा भी प्राप्त है। बांध में विपुल जलराशि का दायरा 985 किलोमीटर मिलियन घन मीटर है। साल 2004 से लेकर अब तक इस स्थान में सैकड़ों टापू उभरे, जिन्हें प्रकृति ने वक्त के साथ खूबसूरत बना दिया। उन्हीं में से एक है हनुवंतिया टापू, जहां नर्मदा नदी की इठलाती लहरें लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहां आने वाला हर सैलानी इसे देखकर यही कहता है कि कुदरत बाहें फैलाकर उसे अपने आगोश में लेने के लिए बुला रही है। इस जगह आकर आत्मीय शांति का अनुभव होता है। पक्षियों की चहचहाहट और लहरों के समागम की ध्वनि अद्भुत होती है। यहाँ की खूबसूरती सैलानियों को जीवन जीने की कला भी सिखाती है। देवेंद्र जायसवाल, IBC 24, खंडवा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हनुवंतिया टापू पर सर्दियों में घूमने पर मलाली सी ठंडक का एहसास होता है, तो गर्मी की छुट्टियों में गोवा जैसी मस्ती। हर मौसम में पर्यटक यहां आकर नर्मदा की लहरों के साथ जीवन के रंगों से खेलते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग हनुवंतिया को एक्वासिटी बनाने पर जोर दे रहा है और यही वजह है कि पूरे साल पर्यटक इस सुंदर स्थल पर भ्रमण कर रहे हैं। टापुओं का ये संसार हर किसी को बुलाता है। ये खुद में शांति और सौंदर्य को समेटे हुए है। ऐसे में भला कौन होगा जो यहाँ आना ना चाहेगा। टापुओं के इस माया लोक में आने के लिए कई साधन मौजूद हैं। विकसित हो रहे टापू पर हजारों पर्यटक पहुँचते हैं। हालांकि टापुओं को अभी और विकसित करने की जरूरत है। इसी को देखते हुए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बैक वाटर में चलने वाली बोट की व्यवस्था भी की गई है। देश भर से आने वाले पर्यटकों के मुताबिक ये जगह फिल्मों की शूटिंग के लिए एकदम मुफीद है। विकास के नए ताने बाने से इसका कायाकल्प किया गया और अब लोग इसे गोवा से भी सुंदर पाते हैं। वीरान जगह को इतना रोशन कर दिया, मतलब यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मारता था, आज यहाँ लाखों की भीड़ आ रही है और बहुत अच्छा प्रयास है और आगे और बढ़ेगा। ये रेगुलर अगर ऐसे ही शासन प्रशासन सहयोग करेगा और यहाँ सुविधाएं प्रदान करेगा। जो हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीठे पानी का इस प्रकार का समुद्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस तौर पर ये देश का जो हनुवंतिया है, आज हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। आया तो मुझे, मेरा दिल प्रसन्न हो गया कि अब सब सही सदुपयोग हुआ मां नर्मदा का, पावर के लिए बहुत बढ़िया है। और इसके बाद में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा, पर्यावरण को ये सुधार की ओर ले जाएगा। संगीत की धुन पैदा करने वाली इन लहरों में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर्यटन को तराशने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। यदि ये कोशिशें एक रंग लाएं तो देश और दुनिया में
मध्य प्रदेश के इस विशाल जलाशय की एक अलग पहचान होगी। बहुत अच्छा है सर, हम ये चाहते हैं कि हमारे ही इतने करीब इतनी अच्छी सुंदरता है, हम पता नहीं क्यों बाहर जाके ढूंढते हैं, और इतनी सब कुछ, इतनी सारी फैसिलिटीज, सारे वाटर स्पोर्ट्स सब यही अवेलेबल है। इसीलिए हम सारे अपने डीलर्स को, जितने भी हमसे व्यापारी संबंध रखते हैं, सबको यहाँ पे लेके आए कि यहाँ पे आके दर्शन करें और यहाँ पे आके एंजॉय करें, ना कि कहीं गोवा या इस साइड जाए, इतनी दूर क्यों जाए जब सारी फैसिलिटी यहीं पे अवेलेबल है। तो हनुवंतिया टापू में इन दिनों पर्यटकों का मेला सा लगता है। कुछ साल पहले तक पर्यटकों की ऐसी भीड़ की कल्पना इस निर्जन स्थान पर किसी ने ना की थी, लेकिन प्रशासन के प्रयासों से इस स्थान को लोगों के लिए न केवल आकर्षक बनाया गया बल्कि सुकून भरे पल बिताने के लिए एक ऐसी जगह बना दी गई जो जन्नत से कम नहीं। हनुवंतिया टापू पर वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ पानी में घूमने के लिए मोटर बोट्स की व्यवस्था है, ताकि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को इस स्थान पर आकर ऐसा महसूस न हो कि उनका इतनी दूर आना व्यर्थ रहा। प्रशासन ने हनुवंतिया में रुकने के लिए कॉटेज की व्यवस्था की है, ताकि चाहे दिन हो या रात, सैलानी मां नर्मदा को जी भर कर निहार सके। दिन में तो इस टापू का दृश्य मनोरम होता ही है, वहीं रात में जब चांद की दूधिया रोशनी टापू के पानी पर पड़ती है तो दृश्य कल्पना से परे हो जाता है। दुनिया में आप कई पर्यटन स्थलों पर गए होंगे, लेकिन ऐसा नजारा शायद ही कहीं देखने को मिले। यहाँ पर भरपूर पानी है और इस पानी पर दौड़ती हुई मोटर बोट्स आपको वो एहसास कराती है जो शायद किसी समंदर में भी ना मिले। यही कारण है कि हनुवंतिया का यह टूरिज्म स्पॉट कम समय में ही काफी पॉपुलर हो गया है और यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आने लगे हैं। देवेंद्र जायसवाल, IBC 24, खंडवा। अगर आप हनुवंतिया टापू पर आए और सिंगाजी टापू पर नहीं पहुंचे तो आपकी ये यादगार यात्रा अधूरी रह जाएगी, इसलिए हम चारों तरफ पानी से भरे सिंगाजी टापू टेम्पल पर आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से पर्यटकों को अपना दीवाना बना रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को आध्यात्मिक स्थल भी माना गया है। यहाँ नर्मदा किनारे सैकड़ों ऋषि मुनियों के आश्रम है। ऐसा ही एक आश्रम था संत सिंगाजी महाराज का। लगभग 400 साल पहले संत सिंगाजी यहाँ के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। संत सिंगाजी ने 400 साल पहले समाधि ली थी। वर्ष 2004 में जब बांध बना तो उनकी समाधि डूबने लगी। समाधि हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक थी, इसीलिए सरकार ने सिंगाजी की समाधि को एक विशाल परकोटा बनाकर बचा लिया। अब समाधि के चारों ओर परकोटा है और ये सिंगाजी टापू के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। हनुवंतिया टापू और संत सिंगाजी समाधि स्थल का विकास कई लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अभी भी विकास की काफी गुंजाइश है। उनके मुताबिक इलाके का जब पूरी तरह से विकास होगा तो यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और यहाँ पे जब ये जल बैकवाटर का इंदिरा सागर बांध बना तो बैकवाटर के पानी से इन्हें बचाए रखने के लिए यहाँ पे ब्रिज बनाया गया और अंदर परकोटा कर समाधि को सुरक्षित रखा गया है। यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। इन टापुओं के संसार को और भी अनुपम बनाने के लिए पर्यटन स्थलों की प्रतिकृति को भी यहाँ एक ही स्थान पर समाहित किया गया है, ताकि देश भर से आने वाले सैलानी इनकी तरफ आकर्षित हो सकें। डैम की खूबसूरती को निहारते सैलानियों के लिए ये लम्हे यादगार बन जाते हैं। जाहिर है, अपने हॉलीडे टूर को यादगार बनाने के लिए सैलानियों के लिए ये जगह बेहतर टूरिस्ट स्पॉट साबित होती है। पर्यटन ने इस इलाके में विकास के नए द्वार खोले हैं। हनुमंतिया दर्शन करने आए थे तो हमें ऐसा पता चला है कि यहाँ बहुत साल पुराने सिंगाजी है, तो दर्शन करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा दिया। बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट है। बहुत अच्छा लगता है जब वो बहुत दूर दूर का जो हमको देखने को मिलता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। इंदिरा सागर डैम से सिंचाई और बिजली की सुविधा मिल रही है। अब पर्यटन का विकास कर यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
जिसको लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। देवेंद्र जायसवाल, IBC 24, खंडवा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। इंदिरा सागर बांध में टापुओं की अद्भुत दुनिया को आकर्षक बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत के साथ व्यवस्थित योजना भी बनाई गई है। हनुवंतिया टापू से लगे बोरियामाल टापू, सैलानी टापू, कावेरी संगम और धारा जी को एक दूसरे से जोड़कर जलाशय के बीच सेंट्रल एंड बनाने की भी तैयारी है। इन टापुओं के जुड़ जाने से यहां का आकर्षण और भी बढ़ जाएगा। अगर आपको इन कुदरती टापुओं पर सैर करना है तो इसकी राह भी आसान है। खंडवा से इस स्थान की दूरी महज 50 किलोमीटर है, पर इंदौर से हनुवंतिया पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हनुवंतिया टापू तक जाने के लिए अच्छी सड़कें हैं, साथ ही रेल कनेक्टिविटी भी इस जगह तक आने के लिए बेहतर है। यहाँ हवाई मार्ग से आने के लिए इंदौर या फिर भोपाल तक आ सकते हैं। भोपाल से खंडवा की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। टैक्सी के अलावा पुराने जमाने मीटर गेज ट्रेन से भी आसानी से खंडवा तक आ सकते हैं। खंडवा जिले के मुंदी ब्लॉक के नजदीक इंदिरा सागर बांध के पीछे एशिया की सबसे बड़े बैक वाटर पर बनाया गया टूरिस्ट स्पॉट हनुवंतिया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार प्रति वर्ष जल महोत्सव का आयोजन करने लगी है। सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड को देखकर निर्जन स्थल हनुवंतिया टापू को विकसित करने का ख्याल सरकार के मन में आया था। बेहद कम समय में ये आइलैंड बनकर तैयार हुआ है। पर्यटकों के लिए वाइल्ड लाइफ रिक्रिएशन रूल्स के अंतर्गत जो आसपास का आइलैंड है उस पे हम उनकी कैंपिंग, ट्रैकिंग एंड बर्ड वाचिंग जैसी एक्टिविटीज करवाएंगे, जो कि एक आने वाले अतिथि पर्यटकों को एडिशनल अट्रैक्शन का माध्यम बनेगा। ये नर्मदा जी का पावन जल है, इसको सहेजने के लिए हम लोगों ने टापू पे अपनी कॉटेज भी बनाई है। तो बरसात के कारण जो नदी नाले में पानी बह जाता था उसे बांध के रूप में रोक के हमने पानी को अपने देश या प्रदेश की सिंचाई में योगदान होगा। इस मानवता एक पावन नदी है, ये हम सभी लोगों को ज्ञात है, इसी के रूप में हमने इनको धरोहर के रूप में मानते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यहाँ जल महोत्सव मनाया जाने लगा। कुदरती सुंदरता को समेटे इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़कर सेंट्रल लैंड बनाने की परिकल्पना को भी साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। बोरियामाल टापू पर घने वृक्षों के बीच टेंट हाउस बनाकर पर्यटकों को सुविधाएं देने की कोशिश हुई है। नर्मदा के विशाल जलाशय के बीच रात बिताने वाले पर्यटकों के लिए सरकार खुले मन से व्यवस्थाएं जुटा रही है। हनुवंतिया को विकसित करने के लिए बाकायदा एक मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ को भी समाहित किया गया है। दूर दूर तक सागर से फैले जलाशय के बीच पर्यटन की संभावनाएं आकार लेने लगी है और सैलानी यहां आकर खुद को प्रकृति के बेहद करीब पाते हैं। देवेंद्र जायसवाल, IBC 24, खंडवा। आज हर ओवर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, नमस्कार।